आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर के बिलाड़ा में एसीबी की कार्रवाई। नगर पालिका जेएन को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। पट्टा बनाने के एवज में घूस मांगी जा रही थी। जेएन पप्पूराम बैरवा को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी सामने आई है। पट्टा बनाने के एवज में घूस की मांग की जा रही थी और जब परिवादी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, इसके बाद एसीबी ने सत्यापन किया और फिर सत्यापन में जो शिकायत थी वो सही साबित हुई और फिर ये ट्रैप की कार्रवाई एसीबी ने की। जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसीबी कार्य कर रही है, आपको याद होगा हड़कंप किस तरह से मचा था एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई के बाद, जब सचिवालय से कुछ किलोमीटर दूर जो योजना भवन है उसके अलमारी में जब नकदी और सोना मिला था, उसके बाद कई नियमों में बदलाव करने पर भी मंथन किया जाने लगा, लेकिन ये एक और बड़ी कार्रवाई। चलिए जोधपुर से हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जानकारी चाहेंगे एसीबी ने किस तरह से जाल बिछाया। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का जो संकल्प है उसके तहत हर एक दिन छोड़ के एक दिन कार्रवाई हो रही है, समझा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसी के चलते बिलाड़ा के अंदर आज जेएन पप्पूराम डारा को जो है पप्पूराम बैरवा को ट्रैप किया गया है। जो एसीबी के डीआईजी हैं सवाई सिंह गोदारा हैं और जिस तरीके से सूचना मिल रही है ओम प्रकाश चौधरी जो एडिशनल एसपी हैं उनके नेतृत्व की टीम ने कार्रवाई की है। जो पट्टा बनाते हैं उसके एवज में रिश्वत मांगी, 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस वक्त कार्रवाई चल रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई तरह की और भी जानकारी मिल सकती है किस किस को, और क्योंकि फोन का जब रिकॉर्ड होता है कॉल डिटेल्स होती है, कई रिकॉर्डिंग की हुई होती है, कुछ दस्तावेज है संपत्ति संबंधी, उन सबकी पड़ताल चल रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार राजस्थान संभवतः पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा स्टेट है जहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट में लिप्त है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, तो लोगों में एक बात का विश्वास भी जन रहा है कि ऐसी बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहा है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव जी आपका बहुत।